नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको व्रत वाले आलू की चाट बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू चाट बनाना। इसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड आलू। सजाने के लिए मैंने आलू के फिंगर्स बना रखे हैं पतले पतले, दही, चटनी, काली मिर्च और सेंधा नमक। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसे मैं गर्म करने रख दी हूँ। अब हम इसमें पहले अपने ऑयल को, यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, बॉइल्ड आलू। अब इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो फ्राई करें और नहीं चाहें तो आप इसे बिना फ्राई करे भी बना सकते हैं। हमारे आलू हल्के से फ्राई हो गए हैं। हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस अब हम अपने गैस का स्विच ऑफ कर देंगे और इस आलू को बाहर निकाल देंगे। ये देखिए हमारा आलू तल के तैयार हो गया है, मैंने इसे निकाल लिया है। अब हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। लगभग मैंने 3/4 के कप दही लिया है, दही डाल देंगे। और इसमें हम अपनी काली मिर्च, यहां मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट अभी मैं यहाँ कम डालूंगी क्योंकि हमने जो चटनी डाली है उसमें भी हमारा जो है नमक डला हुआ है। इस तरीके से डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए चाट बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दिया है। आपके पास धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती डाल दें इसमें। और मैंने ये आलू के फिंगर्स बना के रखे थे, इसको मैं ऊपर से डाल दूंगी इसको सजाने के लिए। इसकी भी रेसिपी भी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी अपने। ये देखिए इस तरीके से हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। देखिए झटपट हमारा आलू चाट बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। इसमें आप आलू को पहले बॉईल करके रख लीजिए और उसके बाद जब आपको खाना हो तब ये तुरंत तैयार कर लें। यहाँ मैंने आलू को फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे फ्राई करें और नहीं चाहें तो इसे सिंपल ही ऐसी पीसेस में काट के और इसमें दही, चटनी, धनिया पत्ती, मिर्च जो आप चाहें उससे इसको डेकोरेट करके खा सकते हैं। तो ये हमारा व्रत का आलू चाट बनकर तैयार है। तो प्लीज अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।